आज के वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिनका व्हाट्सएप का फ़ोटो डिलीट हो जाता है। वो बहुत मेहनत से शूट किए रहते हैं फ़ोटो और किसी को सेंड करते हैं तो उसका गैलरी से भी डिलीट हो जाता है। व्हाट्सएप कोई भेजते हैं तो वो भी फ़ोटो डिलीट हो जाता है, या ईमो से, या आपके मोबाइल में कोई भी ऐसा एप्लीकेशन है जिससे आपका फ़ोटो डिलीट हो जाता है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और आप चाहते हैं कि उसको रिकवरी करें, वापस लाए, तो उसको आप कैसे लाएँगे। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीका का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से अगर आपके मोबाइल से, व्हाट्सअप से अगर फ़ोटो डिलीट हो जाता है तो उसको आप कैसे रिकवरी करेंगे, कैसे वापस लाएँगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं व्हाट्सअप पर। तो यहाँ पर व्हाट्सअप मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करते ही यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मेरा 3 फोटो को भेजा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 फोटो यहाँ पे मेरा आ चुका है। यहाँ देखिए मेरा 3 फोटो है। चलिए मैं इसको गैलरी में दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पे से बैक आएंगे और बैक आने के बाद गैलरी को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सीधे नीचे जाएंगे, नीचे क्योंकि आप जो भी डाउनलोड कीजिएगा व्हाट्सअप पे वो नीचे से ही जो डाउनलोड होकर आता है। तो यहाँ से देखिए मेरा यहाँ व्हाट्सअप लिखा हुआ है, व्हाट्सअप इमेज, मैं इस पर ओपन करता हूँ। यहाँ पर देखिए ये 3 फोटो जो था जो हमें भेजा हुआ था। तो यहाँ से मैं ये 3 फोटो को जो है मैं डिलीट करूँगा यहाँ से और इसको मैं आपको रिकवरी करके दिखाऊँगा। तो यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट कर दिया। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ 3 फोटो यहाँ से डिलीट हो चुका है। चलिए हम फिर से चलते हैं व्हाट्सअप पे। व्हाट्सअप पे जाने के बाद यहाँ पे आपको इसको मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए कि मैं फ़ोटो वहाँ से डिलीट किया हूँ। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। तो आप चाहते हैं कि हम दोबारा से इसको डाउनलोड करें तो यहाँ पर डाउनलोड वाले पर क्लिक करके आप दोबारा से यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर नया फीचर दिया हुआ है तो इसको आप दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर से जो है ये फ़ोटो आपका वहीं गैलरी में जाके सेव हो जाएगा। तो ये तो नया अलग ट्रिक है जो आपको दोबारा से इसको रिकवरी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दोबारा से फिर से दिखा देता हूँ। इसके लिए गैलरी को ओपन करेंगे, नीचे से चलेंगे क्योंकि जो भी आप डाउनलोड कीजिएगा वो नीचे से ही आता है। तो यहाँ पर देखिए व्हाट्सअप इमेज, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए ये 3 फोटो फिर से यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए ये मैं फिर से यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से फिर से चलता हूँ। यहाँ पर देखिए डिलीट हो चुका है। मैं चलता हूँ व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे जाने के बाद मैं यहाँ पे फाइल को ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद मैं यहाँ से भी ये 3 को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं इसे देखिए मैं यहाँ डिलीट कर दिया। अब मैं इस फाइल को, मुझे फ़ोटो है, फ़ोटो को मैं आपको रिकवरी करके दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से व्हाट्सएप पर से जो भी फ़ोटो आपका डिलीट हो जाता है, उड़ जाता है, उसको आप कैसे रिकवरी करेंगे। तो इसके लिए आपको जो है प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर में से, डिस्क डीजर। इसको आप ओपन करेंगे। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। पहला है बेसिक, मतलब नो रूट। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है फुल स्कैन रूट रिक्वायर्ड, और तीसरा है विप फ्री स्पेस। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बेसिक स्कैन, यहाँ पे स्टार्ट बेसिक फ़ोटो स्कैन पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ परमिशन का आपको बोल रहा है अलाउ करने के लिए। परमिशन को आप अलाउ कर देंगे। यहाँ नीचे देखिए कि रिकवरी का ऑप्शन है और यहाँ पे नीचे आप यहाँ देख रहे हैं कि स्कैनिंग, और यहाँ पे 0 फाइल फाउंड है। तो यहाँ पे जो आपको जो भी फ़ोटो जो डिलीट हुआ रहेगा, चाहे व्हाट्सएप से हो, ईमो से हो, आपके गैलरी से हो, या आपके मोबाइल में कोई भी ऐसे जो एप्लीकेशन है उससे आपका फ़ोटो डिलीट हुआ रहेगा, वो सारे के सारे यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे देख रहे हैं 0 फाइल फाउंड है। यहाँ पे आपको सारा फ़ोटो जो है रिकवरी करके ला देगा। तो इसको आप जो है थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि आपके मोबाइल में जितने फ़ोटो जो है डिलीट हुआ रहेगा वो सारे के सारे आपको रिकवरी करके ला देगा। यहाँ पर देखिए मैं जितना फ़ोटो यहाँ डिलीट किया हूँ, यहाँ पर देख रहे हैं 3 फोटो मैं वहाँ डिलीट किया था, यहाँ पर मेरा 3 फोटो आ चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए कि फाइल जो है यहाँ पे रिकवरी कर रहा है। फ़ोटो जो डिलीट किए हैं वो सारे का सारे फ़ोटो जो है आपको यहाँ पे रिकवरी करके ला रहा है। तो यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे फाइल यहाँ पे ला चुका है 309, 317, 344, इस तरीके से तो आपको लाता ही रहेगा मोबाइल में, या आपके व्हाट्सअप से, या आपके ईमो से, या आपके गैलरी से। जो भी फ़ोटो इंपॉर्टेंट फ़ोटो अगर आपका है, शूट किए हुए हैं, या कोई भेजा हुआ है, वो जो कोई बच्चा आपके घर में है वो डिलीट करके हटा देता है तो आप बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि उसको हम कैसे वापस
वापस लाएंगे, कैसे रिकवरी करेंगे। तो ये जो है 100 मिलियन प्लस में डाउनलोड हुआ है ये एप्लीकेशन, तो आप समझ सकते हैं कितना बढ़िया और कितना शानदार ये एप्लीकेशन है। तो आप जो है वो सारे फ़ोटो जो आपके मोबाइल से डिलीट हुआ है वो सारे के सारे जो है आप उसको एक चुटकी में आप उसको वापस ला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो है 878, 894, 916 इस तरीके से आपको मोबाइल में जितना जो डिलीट हुआ रहेगा वो सारे के सारे फ़ोटो को आपको 90% तक, मैं ये नहीं कहता हूँ 100% ये ला देगा एप्लीकेशन, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं बना है जो 100% जो है आपको जो भी फ़ोटो है उसको रिकवरी कर देगा। मगर हाँ, ये आपको जो है 90-95% आपके जितने फ़ोटो है उसको सारे के सारे फ़ोटो आपके व्हाट्सअप से, इमेज ईमो से या आपके गैलरी से जो डिलीट हुआ है उसको आपको वापस ला देगा। तो आप ये टेंशन में नहीं रहिएगा कि मेरे घर में बच्चा वो डिलीट करके हटा दिया है, वो फ़ोटो को हम किस तरीके से वापस लाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं कर घर में कीजिएगा, बच्चों को मारपीट कीजिएगा, फ़ोटो का डिलीट कर दिया, अरे कर दिया फिर से हम दोबारा से ले आएंगे, क्योंकि हमें ये ट्रिक पता होना चाहिए कि हाँ भैया ये ट्रिक हमें पता है, इस ट्रिक से हम फ़ोटो को लाएंगे। इसे होता है ना कि घर में जो बच्चों को मारने लगते हैं, साले का है ऐसा कर दिया, फ़ोटो का है उड़ा दिया, है ना, गंदे लैंग्वेज बोलने लगते हैं, बच्चों को मारने पीटने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज ही नहीं है कि हम फ़ोटो को कैसे वापस लाएंगे, वो सिर्फ फ़ोटो लेना और देखना पसंद करते हैं, उसको जो रिकवरी करना नहीं जानते कि भैया उसको रिकवरी कैसे करेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में बता दिया हूँ कि किस तरीके से आप जो है आपका कोई फ़ोटो भेजता है वो डिलीट हो जाता है, चाहे आपको व्हाट्सअप से हो या ईमो से हो या आपके मोबाइल में गैलरी से हो, उसको आप बहुत ही इजीली तरीके से आप अपने मोबाइल में फिर से दोबारा से वापस ला सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2399, 2450 इस तरीके से जो है जितना फ़ोटो रहेगा ना वो सारे के सारे आपको यहाँ पे ला देगा। तो चलिए हम जो 3 फ़ोटो मैं आपको दिखाया था वो 3 फ़ोटो मैं यहाँ से दोबारा से रिकवरी कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर टिक मार्क करेंगे, इस तरीके से टिक मार्क कर देंगे। यहाँ पे देखिए 3 फ़ोटो मैंने डिलीट किया था, वो 3 फ़ोटो को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। और यहाँ दिख रहे हैं नीचे रिकवरी है, यहाँ पर आपको ढेर सारा फ़ोटो मिल जाएगा। इस तरीके से नीचे जाएंगे आपको यहाँ पर देखिए बहुत सारा जो भी फ़ोटो डिलीट हुआ रहेगा उस सारे के सारे फ़ोटो यहाँ पर आपका आ जाता है। तो जो भी फ़ोटो का रिकवरी करना है इस तरीके से टिक मार्क कर देंगे, वो सारे के सारे फ़ोटो आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर 4 और ऊपर में यहाँ पे 3 दिखाया था आपको, यहाँ पर ये 7 फोटो को रिकवरी करके मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ देख रहे रिकवरी का ऑप्शन है, यहाँ रिकवरी वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप सेव टू फाइल वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ बीच वाले पे इस तरीके से क्लिक करते यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि 100 SD कार्ड, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आपको SD कार्ड वो शो हो जाएगा, 3 डॉट पर क्लिक कर। यहाँ पर आप जो इंटरनल स्टोरेज में रखना चाहते हैं, मतलब मोबाइल में रखना चाहते हैं, या आप जो है SD कार्ड में रखना चाहते हैं, चलिए हम यहाँ SD कार्ड वाले पे क्लिक करेंगे। अब इसमें जो है आपको बोला जा रहा है कि आप कहाँ कौन से फोल्डर में रखना चाहते हैं, वो फोल्डर को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी फोल्डर में रखना चाहते हैं वो फोल्डर को आप सेलेक्ट कर लेंगे, या नहीं रखना चाहते कोई फोल्डर में डॉक्टर ऊपर में ही आए तो इसके लिए यहाँ सेलेक्ट वाले पर क्लिक करेंगे। और ये जो है आपका फाइल यहाँ पर रिकवरी हो चुका है। यहाँ पर देखिए आपका 7 फाइल यहाँ पर ऊपर में लिखा के आ चुका है, रिकवरी कम्प्लीटेड है। चलिए हम गैलरी में देख लेते हैं कि मेरा जो फोटो है वो रिकवरी होकर आया है या नहीं। तो सिंपली गैलरी को ओपन करेंगे, और गैलरी को ओपन करने के बाद सिंपली हम नीचे जाएंगे, ठीक है, नीचे से चेक कर लेंगे कि मेरा जो है फोटो जो है हम उसको रिकवरी किए हैं वो आया है या नहीं। तो नीचे से चलते हुए ऊपर चलते हैं सीधे, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे SD कार्ड जो है हमें इसको चूज किया था और 7 फोटो था, तो यहाँ 7 फोटो यहाँ SD कार्ड में आ चुका है। यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं व्हाट्सअप से जो है 3 फोटो को डिलीट किया था, जो एक ये है और एक ये है और एक ये है। तो ये 3 फोटो मैं व्हाट्सअप से डिलीट किया था, वो 3 फोटो यहाँ पे आ चुका है, और मैं वहाँ से 7 फोटो ये लगा के जो रिकवरी किया हूँ वो 7 फोटो यहाँ पे रिकवरी होके आ चुका है। सो गाइस, ये जो है बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है, जिससे आप बहुत ही आसानी से है आप डिस्क डीजर एप्लीकेशन से आपका कोई भी फोटो, चाहे व्हाट्सअप से हो, ईमो से हो, या आपके जो है गैलरी से हो, वो शादी का फोटो हो या आपका कोई फ्रेंड का फोटो हो जो डिलीट हो जाता है वो जाता है, उसको आप बहुत ही आसानी से है अपना फोटो को रिकवरी कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो में पर डे अपलोड करते रहता हूँ।